साथियों, आज निकल रहा था गली से तो इस तरीके से स्टैचू लगी देखिए संत गाडगे जी, अम्बेडकर जी और महात्मा बुद्ध जी। मतलब इस ब्रह्मांड की जो महान विभूतियां हैं इस जगह पर, वो देख के एक अच्छा सा एहसास हुआ। और महात्मा ये जो अम्बेडकर जी हैं, इनके बारे में तो कहने ही क्या। जैसे अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका इसलिए महान है क्योंकि वहाँ अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का अंत किया, इसलिए। तो अगर भारत की बात की जाए तो क्या कहते हैं कि ये भारत में जो है अम्बेडकर जी ने जो काम किया है ना, वो शायद दूसरा कुछ कर भी नहीं सकता था। हमको अंग्रेज़ों से तो आज़ादी मिल गई, लेकिन जो है हज़ारों सालों से जो गुलामी चल रही थी, एक जगह जन्म लेने के बाद भी आदमी में अंतर नहीं था। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, इस तरीके से लोग लगातार जो है प्रताड़ित हो रहे थे। और अम्बेडकर जी जिन्होंने कितना संघर्ष सहा, सोचिए आप, जब बचपन में थे तो ये सोचिए अगर हमारे आपके बच्चे को कह दिया जाए कि टीचर डांट दे, कहे जाओ बाहर, जो है बाहर जाओ, तुम बाहर बैठ के पढ़ाई करनी होगी, तुम क्लास के अंदर नहीं आ सकते, तुम अछूत हो, अगर छोटी सी बात कह दी जाए तो कितने आग बबूला आप हो जाएंगे। एक बार मेरी बच्ची से टीचर ने कहा कि तुम अभी बाथरूम मत जाओ, थोड़ी देर से जाना। छोटी सी बात थी लेकिन मुझे पीड़ा अनुभव हुई और मैं तुरंत टीचर से मिलने गया। ऐसे ही कितने गार्जियन होते हैं जो छोटी सी बात को सह नहीं पाते हैं, और सहना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अम्बेडकर जी के बारे में कि जिस काम को उन्होंने किया है असंभव काम था। इनके हर काम जो है असंभव ही रहे, कितना जो है त्याग है किया है। चाहते तो कितने बड़े कितना पैसा कमा लेते, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। उन्होंने क्या किया कि जो हज़ारों सालों से हड़प्पा मोहनजोदड़ो से जो है, या जब से चला आ रही है कि कोई नीच शब्द का लोग इस्तेमाल करते हैं लोगों के लिए, एक ही जगह एक ही योनि में जन्म लेने के बाद उनकी पीड़ा हुई, उन्होंने पीड़ा सही। तो और समझ लिया कि जब जाते थे स्कूल तो अंदर कमरे में बैठ के पढ़ाई नहीं करना था, ये बाहर जहाँ जूते चप्पल उतारे जाते हैं वहाँ पर बैठकर ये क्या कहते हैं पढ़ाई करते हैं। सहज अंदाज़ा हम लोग कर सकते हैं कि कितना महान ये शख्स रहा होगा। आज भी कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन, पता नहीं कहाँ कहाँ इनकी मूर्ति लगी हुई है। साथियों देखिए, तो अम्बेडकर एक ने जो काम किया है वो कोई नहीं कर सकता था। और संविधान बनाना आसान बात नहीं होती है। आज हम लोग सब खुले में स्वतंत्र हैं, मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का जो अधिकार मिला है वो कैसे मिलता है, बिल्कुल नहीं मिल सकता था। आज भी हम लोग वैसे ही बटे होते, आज इतने नियम कानून ना होते, ये किसकी देन है, इस महान शख्स की देन है, अम्बेडकर जी की देन है साथियों। और ये बताइए, महिलाओं को पढ़ने तक की स्वतंत्रता, आज हमारी बेटियां जो है स्कूल जाती हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ती हैं जाके, कोई एरोप्लेन उड़ाता है, कोई ट्रेन चलाता है, सब कुछ करती हैं, वो किसकी देन है, अम्बेडकर जी की देन है साथियों। तो एक जगह निकला, यहाँ निकल रहा था, तो साथियों अम्बेडकर जी का हमको ऋणी होना चाहिए। आज भी यदा कदा घटनाएं ऐसी आ जाती हैं जब पता चलता है कि SC के बारात नहीं निकलने दी सवर्णों ने, या इस टाइप की बातें आ जाती हैं। जब अम्बेडकर जी कितना कर गए हैं तब ये घटनाएं आ जाती हैं। अगर अम्बेडकर जी ने नहीं किया होता तो क्या हाल होता, सोचिए। इससे महान कोई शख्स नहीं हो सकता इस देश में।
इतने दिन आज़ादी के हो गए हैं, लेकिन जितना उस समय इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में, ये समझ लीजिए किसी राजा ने उनको छात्रवृत्ति दी तो छात्रवृत्ति से पढ़ने गए। अंबेडकर जी का संघर्ष जो है आज तक हुआ ही नहीं, अगर कहा जाए तो इस ब्रह्मांड की अब तक की सबसे सबसे बड़ी शख्सियत रहे अंबेडकर जी। साथियों ये देखिए, तो अंबेडकर जी के बारे में जो है और पढ़े हम लोग, और वाकई जितना जो है आज़ादी का संघर्ष, आज़ादी तो हमने पा ली, लेकिन अभी भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि एससी का होने के कारण अत्याचार हुआ तो फलाने टीचर ने ये कर दिया वो कर दिया। आज भी अंग्रेज तो चले गए 1947 में, लेकिन आज भी इनके करने के बाद इतना हाल है। अगर अंबेडकर जी ने ना किया होता तो क्या हाल होता, सोचिए। तो अंबेडकर जी को भाई दिल से नमन कर रहा हूँ। एक जगह मैं निकल रहा था तो अंबेडकर जी के बारे में कुछ इच्छा हुई तो मैं साथी हूँ यहाँ हूँ ठाकुरगंज में। तो ये देखिए, अंबेडकर जैसी शख्सियत को मिलना असंभव है। इतना प्रेरक उस हालात में पढ़ना, जब कोई पढ़ने नहीं जाता था, इंसल्ट डेली हो रही है लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि समाज के लिए कुछ करना है। त्याग की जो भावना है, त्याग संघर्ष समर्पण की भावना जो संघर्ष में है, इस ब्रह्मांड में शायद किसी को ना मिले। साथियों मैं हूँ संतोष अर्थात। अंबेडकर जी के बारे में कुछ कहने की अच्छी हुई, अंबेडकर जी का जो बचपन रहा है, जो संघर्ष रहा है, जो त्याग रहा है, जो समाज के लिए किया है, वो अविस्मरणीय योगदान है, इसको कभी कोई चुका नहीं सकता। मिलता हूँ फिर।